देखिए हमारा जो दुश्मन है इस वक्त उसके जो आर्म फोर्सेस हैं हमारे से 4 गुना ज्यादा है, सही है। उसका जो एयरफोर्स है 8 गुना ज्यादा है, उसका जो नेवी है 6 गुना ज्यादा है, या एयरफोर्स 6 गुना है। हम उनके साथ लड़ने हैं, हमारे पास पैसे नहीं है अपने लोगों को वीट देने के लिए। जो बाइडेन ये चाहते हैं कि रिचर्ड वर्मा को बनाया जाए डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। एक तो ये कि इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है, बरतानिया भी है, और एक से ज्यादा इत्तेहाद। और पाकिस्तान के पास एक माह की दरामदात के पैसे भी नहीं। पैसे दो, खुदा के लिए पैसे दो। और कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारा मुल्क दिवालिया। आपके दिल के चाहने या नहीं चाहने से कुछ नहीं होता, ना किसी जज्बात के आने से कुछ नहीं होता। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि इंडियन एक फीमेल है वो यूएसए की जज बनी है, फर्स्ट जज बनी है। अंदाजा करें जिस आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्ज देना है, वो आईएमएफ पाकिस्तानी हुकाम से पूछ रहा है कि आपने दोस्त मुल्कों से भी कर्जे लेना था, वो कर्जे कहां तक पहुंचे? सर अगर हम बात करें इंडिया की तो क्या कहेंगे? इंडिया, काश मैं इंडिया में। बस आज हम बात करने वाले हैं, व्हाइट हाउस की जानिब से एक खबर सामने आई है जिसके मुताबिक जो बाइडेन ने नॉमिनेट किया है एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले शख्स को, जिनका नाम है रिचर्ड वर्मा। जो बाइडेन ये चाहते हैं कि रिचर्ड वर्मा को बनाया जाए डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, ये एक बहुत ही बड़ा ओहदा है। और इसके अलावा जो बाइडेन की जानिब से इंडिया की तारीफ भी की गई है कि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले जितने भी मौजूद है अमेरिका में सब के सब सिंसियर है और सिंसियरिटी से काम करना भी जानते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की तो क्या कहेंगे? इंडिया, काश मैं इंडिया में पैदा होता और मुसलमान ही होता। अरे वहाँ पर वहाँ के मुसलमानों का लाइफ स्टाइल देखिए आप, जो अभी तक जो मीडिया पे नजर आता है उस हिसाब से तो वो बहुत पीछे हैं। जहाँ तक मैंने सुना था ना कि कश्मीर जब हम लेना चाह रहे थे, कश्मीर के मुसलमान भी चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में ना आए, इससे ज्यादा बुरा क्या होएगा। कश्मीर की एक्टिविस्ट ने खुद आगे सोशल मीडिया पर कह दिया है कि पाकिस्तान को, अनिका नजीर उनका नाम है, उन्होंने कहा पाकिस्तान को बहुत ही गलत इमेज कन्वे किया जा रहा है। क्या आपको पता है कि वहाँ पर वो लोग 5G सर्विसेज यूज कर रहे हैं? पाकिस्तान को वर्ल्ड वाइड में इसीलिए तो टेररिस्ट के नाम से जाना जाता है। टेररिस्ट वाला इशू हो रहा है, वो जान के कंपेयर करते हैं क्योंकि हमारी तरह सोच जोन सी है ना, उस तरह की है, लेकिन अब हम थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, लेकिन लेकिन फिर भी इतने नहीं इस काबिल हुए कि इतनी जल्दी सीख लेंगे। हम अभी दुनिया और इंडिया से कम अज कम 50-50 साल तो इंडिया से जी जी 50 साल तो ना पीछे ही है भाई। वो उनकी सारे जो पढ़े लिखे लोग हैं पूरी दुनिया पे इस टाइम में गूगल को कंट्रोल कर लिया हुआ है। ऐसे में आवाम में थोड़ा शोर तो आ ही रहा है ना, कोई शुक्र है खान साहब आगे हुए हैं। अब खान साहब नहीं आते, वो चले गए। सर मैं यहाँ, आपने बोला था कि वहाँ पर मुसलमानों का हाल है, आपको वहाँ किस सेक्टर में मुसलमान नजर नहीं आते? मुसलमान वो बहुत ज्यादा है यहाँ से, तो उनके बाद ही बहुत ज्यादा है, बहुत खुश है हमसे तो ज्यादा। उनका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप वहाँ पर देखिए है ना, तो मुसलमान फिल्म इंडस्ट्री में देखे वहाँ पर जो आपको पता है रिसेंटली पहली इंडिया की सोलर गाड़ी एक कश्मीर के मुस्लिम ने बनाई है जिसको बहुत प्रोटोकॉल दिया गया। असल में इंडिया जो है ना, आप देखें कि वर्ल्ड वाइड इंडिया के लोग हर जगह पर ज्यादा है। अच्छा। हर जगह पे इंडिया का नाम है, अब दुबई है या अरबी जो है या अफगानिस्तान वाले पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया के साथ मिल गए हुए हैं। क्यों? अब पाकिस्तान को समझते कुछ नहीं है, अफगानिस्तान से लगा ले, पाकिस्तान के हमारे हुक्मरान लोग ही ऐसे हैं। स्कोप नहीं ना है, फ्यूचर चाहिए सबको, अब हमारी तरह सब करप्शन के हर बंदा तो इधर आता है सिर्फ करप्शन करता है, अपनी जेबें भरता है बस, और अपना लाइफस्टाइल देखता है कि मेरा लाइफस्टाइल। अब तो सर इवन के हम में से भी किसी को इंतजार मिल जाए हम भी इसी को देखेंगे कि हम अपना लाइफस्टाइल।